देखो मैं ये वर्ड जीनियस यूज नहीं करता हूँ, बट आई थिंक ये गेम का आइडिया बड़ा ही जीनियस है। देखो जब पबजी रिलीज हुआ था तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था पूरे वर्ल्ड में, एंड देन आया उसका मोबाइल वर्जन जो कि और पॉपुलर हुआ था। लाइक इतना डोमिनेंस और इतना बड़ा गेम ये हो गया था कि बाकी गेमों ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पबजी लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा था जो कि बाकी के गेम्स नहीं दे पा रहे थे, जो कि है बैटल रॉयल। पबजी ने बैटल रॉयल को इंट्रोड्यूस करके गेमिंग इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल दिया। जब ये गेम रिलीज हुआ सबको एक नया फ्रेश एक्सपीरियंस मिला, 100 प्लेयर्स, एक आइलैंड और एक ही विनर। ये फॉर्मूला इतना हिट हो गया था कि कंपनीज ने अपने गेम में बैटल रॉयल एलिमेंट डालना शुरू कर दिया। फोर्टनाइट, एपेक्स लेजेंड और हाँ काउंटर स्ट्राइक भी इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिए। पबजी ने वो एक्सपीरियंस दिया जो बाकी गेम्स फेल हो रहे थे कैप्चर करने में। नाउ हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकता है, जैसे पबजी ने अपने बैटल रॉयल से सबको हिला दिया था, वैसे ही अब एक नया गेम आने वाला है जो कि गेमिंग का लैंडस्केप चेंज कर सकता है। ये गेम गेंशिन इम्पैक्ट के स्टाइल को बैटल रॉयल के साथ फ्यूज कर रहा है। इमेजिन एक इमर्सिव वर्ल्ड जहां पर सब कुछ बड़ा है। ये वाला इमेज नहीं, दूसरा वाला। या वेट, तू कौन है बाय द वे? ओह आई एम जस्ट फॉक्स, यू नो, बस मेरे पास अभी पायरो रेजोनेंस है सिंस आई एम इन नेटलैंड और यहाँ के बस यू नो लोकल कपड़े पहना हूँ, तो मैं रिप्लेस हो रहा हूँ। या काइंड ऑफ लाइक अब से मैं भी यहाँ पे हूँ, यू नो, तो मैं जाऊँ? या तुम जा सकते हो और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। नाउ इमेजिन एक बड़ा मैप, वहां पे होगा एनिमे वाइफूस जो कि गन्स के साथ एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसमें तुम्हें वो बैटल रॉयल वाला रश भी मिल रहा है एंड गेंशिन इम्पैक्ट जैसा वर्ल्ड भी। ये फ्यूजन कुछ नया लेकर आ रहा है जो अब तक किसी और ने एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, इस गेम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसे इंडिया में फेमस बना सकता है एंड पूरे वर्ल्ड में, एंड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि मैं ऑलरेडी देख सकता हूं जिसको मुझे नहीं पता ये लोग कैसे संभालेंगे। ऑल राइट बीप्स, सबसे पहले डेडली फीचर पे आते हैं। नाउ ये गेम सबसे फेमस है इंडिया में एंड ये गेम सबसे फेमस है अमेरिका में। डेली मिलियंस ऑफ प्लेयर्स इन गेम्स को खेलते हैं। क्या तुम गेस कर सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही बैटल रॉयल हैं एंड आई थिंक तुम भी मुझसे एग्री करोगे कि बैटल रॉयल यहाँ पे बहुत फेमस है। नाउ एक चीज़ जो बैटल रॉयल को बहुत फेमस बनाता है वो है फ्रेंड्स, यानी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इसे खेल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लोर करना, दूसरे प्लेयर्स टीम को मारना, जो कि इसे बड़ा फन बनाता है। नाउ गेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेमों में भी तुम फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर सकते हो बट तुम रियल प्लेयर्स के साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम मॉन्स्टर्स को मारते हो एंड ऑल्सो कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ टेक्स्ट है। ऑन दी अदर हैंड बैटल रॉयल में तुम्हें वॉइस चैट का ऑप्शन मिलता है जो तुम्हें रियल टाइम स्ट्रेटजी बनाने एंड अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का ऑप्शन देता है। अब तुम गेम खेल रहे हो और साइमल्टेनियसली अपने दोस्तों के साथ बात भी कर रहे हो, इतना एंगेजिंग एक्सपीरियंस तुम्हें बैटल रॉयल ऑफर करता है। ये एक मेजर फैक्टर है जो बैटल रॉयल्स को नेक्स्ट लेवल फन बनाता है। अब इसके ऊपर एक और ज़बरदस्त फीचर है, ये गेम फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री, और ये हर डिवाइस पे अवेलेबल है, चाहे वो पीसी हो, मोबाइल हो या कॉन्सोल। इसका मतलब ये गेम इजीली अवेलेबल है। ये दो चीज़ें ही इस गेम को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है पॉपुलर होने के लिए, एक तो वॉइस चैट का रियल टाइम स्ट्रेटजी एलिमेंट और दूसरा सबके लिए एक्सेसिबल होना। लेकिन बड़े आइडियाज के साथ आता है बड़ा प्रॉब्लम। ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस गेम का जी मार सकता है? देखो एक मेजर चैलेंज जो फेट ट्रिगर द नोविटा फेस कर सकता है वो है पावर बैलेंस। रोल प्लेइंग गेम्स में तो ये नॉर्मल है कि एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर है दूसरों से, लेकिन जब बात आती है कॉम्पिटिटिव बैटल रॉयल की तो मामला कुछ और है,
क्योंकि अगर एक भी कैरेक्टर बैटल रॉयल में ओवरपावर्ड हो गया तो सब वही कैरेक्टर्स पिक करेंगे एंड फिर तो इसकी फेयरनेस पे बात आएगा, क्योंकि इवन वैलोरेंट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव गेम्स को ये प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। अगर एक भी एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गेम का बैलेंस बिगड़ने लगता है एंड जिसके पास ओवरपावर्ड कैरेक्टर है उसे तो मज़ा आएगा, लेकिन जिन्होंने बाकी कैरेक्टर्स पिक किया होगा उनका एक्सपीरियंस घटिया हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसके पास एडवांटेज है। फेट ट्रिगर के लिए ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर बैलेंस आउट नहीं किया गया तो कॉम्पिटिटिव फेयरनेस तो भूल ही जाओ। नाउ ऐसा नहीं है कि ये गेम पहला है जिसने सुपर पावर्स और कैरेक्टर्स जिनके पास यूनिक पावर्स है उनको बैटल रॉयल में डाला हो। एपेक्स लेजेंड हो गया, फोर्टनाइट हो गया, वो सब ये ऑलरेडी करते आए हैं। वो लोग भाई सुपर हीरोज लाते हैं गेम में एंड अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन इस गेम का जो यूनिक फीचर है वो है कि इस गेम का जो आर्ट स्टाइल है वो एनीमे का रखा है एंड ये तुम देखकर ही बोल सकते हो। जैसे गेंशिन ने किया था, उन्होंने एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम बनाया जो कि एनीमे आर्ट स्टाइल में था। नाउ उनका गेम तो सुपर हिट हो गया, लेकिन क्या फेट ट्रिगर ऐसा कुछ कर पाएगा? क्योंकि ये एनिमे स्टाइल बैटल रॉयल है विच इज़ रिस्की, क्योंकि देखो इंडिया में तो लोगों को ज़्यादातर रियल लुकिंग गेम्स पसंद है, चाहे शूटर हो या आरपीजी जैसे कि वो कॉन्ग, सबको हाई क्वालिटी रियलिस्टिक विजुअल्स चाहिए। अब ये गेम लेके आता है वाइफूस को एक शूटर में और ये देखने वाली बात होगी कि फैंस इसको कैसे लेते हैं। गेंशिन इम्पैक्ट ने तो एनिमे आर्ट स्टाइल के साथ इस गेम को सुपर हिट कर दिया, लेकिन उनका एक और मेजर हुक था गाचा, लेकिन फेट ट्रिगर ये गाचा वाला कार्ड नहीं खेल सकता। तो शायद ये रेवेन्यू के लिए कैरेक्टर स्किन निकाले, वेपन स्किन निकाले और बैटल पास इंट्रोड्यूस करे, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए? दैट्स द रियल क्वेश्चन, क्योंकि शूटर गेम्स बहुत ही हार्ड होता है मेंटेन करने के लिए, जो कि मुझे ले आता है इसके दूसरे प्रॉब्लम पे। शूटर गेम्स को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। देखो बैटल रॉयल गेम्स का बिगेस्ट चैलेंज है सर्वर स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन, 100 प्लेयर्स को एक साथ एक मैप पर डालना और फिर रियल टाइम में उनको ट्रैक करना बहुत डिमांडिंग होता है। अगर सर्वर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गेम क्रैश हो सकता है, लैग इश्यूज हो सकते हैं और प्लेयर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बर्बाद हो सकता है। पबजी ने ये शुरू में फेस किया था एंड ऊपर से अपडेट्स का प्रेशर, गेम्स लाइक फोर्टनाइट, एपेक्स लेजेंड कंस्टेंटली सीजन्स, मैप्स, वेपन्स और कॉस्मेटिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि प्लेयर बेस एंगेज रहे। तो जो स्टूडियो इस पे काम कर रहा है क्या वो इसे पुल कर पाएगा? वेल, एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस गेम पे काम कर रहा है सारोसिस स्टूडियो। नाउ तुम लोग सोचते रहोगे फॉक्स, मैंने इस स्टूडियो का नाम कभी नहीं सुना है। वेल, ये सारोसिस स्टूडियो सब्सिडरी है टेंसेंट गेम का। रिंग बजा दिमाग में। वेल, टेंसेंट वो ही स्टूडियो है जिसने बनाया है पबजी मोबाइल एंड सारोसिस स्टूडियो फुल्ली ओन्ड एंड गवर्न बाय टेंसेंट स्टूडियोज। नाउ टेंसेंट बहुत ही बड़ा स्टूडियो है जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है शूटर गेम्स बनाने में। बेसिकली सारोसिस स्टूडियो के पास सारे रिसोर्सेस हैं एक बहुत अच्छा बैटल रॉयल गेम बनाने के लिए। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अच्छा टीम है, बजट है, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? वेल, वो तो आगे चलकर हमें पता चल ही जाएगा। नाउ तुम लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा, गेंशिन एनिमे स्टाइल का एक शूटिंग गेम, क्योंकि ये यूनिक मिक्सचर तो हमें बहुत आजकल देखने को मिल रहा है। लाइक हाल ही में एक गेम अनाउंस हुआ था जो कि मिक्सचर है गेंशिन एंड GTA 5 का। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, उस गेम का नाम है नेवरनेस टू एवरनेस। क्लिक करो इस वीडियो पे एंड अभी जाके देखो, तुम बिलीव नहीं करोगे ये गेम फ़ोन के लिए है।